अब कांग्रेस पार्टी की स्कीम देखिए, 7 गारंटी है। आप मुझे बता दो इनमें से अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है। सबसे पहले इस भीड़ में जो भी बीमार होता है, चाहे कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, हड्डी टूट जाए, सब लोगों को 25 लाख रुपए तक हम फ्री इलाज कराते हैं। नहीं नहीं अभी बोल रहा हूं, 25 लाख तक राजस्थान में फ्री में इलाज होता है, सही। चुनाव के बाद वो 50 लाख हो जाएगा। आप सोचिए, आप सोचिए, 50 लाख रुपए का इलाज राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है, इसमें से एक रुपया अदानी जी के जेब में नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, यूपीए के समय कहते थे, भाइयों और बहनों 400 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज कितने का है? 1200 रुपए का है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। के बाद कांग्रेस पार्टी सबके सिलेंडर 500 रुपए का कर देगी। अदानी की जेब में कितना पैसा गया? जीरो। स्वास्थ्य योजना में जीरो। हर महिला घर में, एक महिला को कांग्रेस पार्टी सीधा बैंक अकाउंट में साल के 10,000 रुपए डाल देगी। अदानी को कितना पैसा गया? जीरो। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कनाल, यहां की जो कनाल है उसको मैं नेशनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा, चुनाव में कहा था, बन गया नेशनल प्रोजेक्ट। पैसा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो आप देखिए, जो भी हम करते हैं हम गरीब जनता के लिए करते हैं, चाहे हमें स्वास्थ्य योजना हो, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, यहां की कनाल हो, सारा का सारा काम हम गरीब जनता के लिए करते हैं। और वो पूरा का पूरा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते रहते हैं।